इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करना है अपने आपको सेटिस्फाई करो राइट चैरिटी एट होम अगर आप आनंद में होंगे तो आप दुनिया को आनंद दे सकते हो आप खुशी में रहो आप आनंद में रहो आपका प्रगति हो जब अगर प्यार भी देना है लोगों को तो आपके प्यास आपके पास प्यार होना चाहिए सही बात है आपके पास प्यार है ही नहीं तो आप कैसे देंगे हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोग लिए लाया हूं इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बेहद इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मौजूद हैं मेरे लिए भी ये गुरु के समान हैं मेंटर हैं काफ़ी कुछ मैं इनसे पिछले तीन चार सालों से सीख रहा हूँ ये पद्मश्री हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन और उससे भी बड़े फिलेंट्रफिस जो लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशंस करते हैं सो प्लीज़ वेलकम पद्मश्री श्री गणपत भाई पटेल थैंक यू भाई सर और इनवाइटिंग मी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू आप हेल्दी माइंड होना हेल्दी बॉडी से भी ज्यादा जरूर है <laughs> जी दादा uh, और आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में थैंक यू बड़े से बड़े सर्जन है वैसे तो थैंक यू दादा थैंक यू सो मच सो दादा हमें तो आपकी स्टोरी काफी डिटेल में पता है बट आज बहुत सारे यंग जनता भी हमारे शो से जुड़ी हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर आप अपनी जर्नी एक शॉर्ट में बता सकें कि कैसे जूनागढ़ के गांव से निकल कर के अमेरिका में पैट पटेल ये जर्नी किस तरीके से रही कुछ लेसन्स आप उसमें से शेयर कर सकें जर्नी तो वैसे आ, मैंने बनाई नहीं है आ, लेकिन इसके क्रेडिट माय हमारे सोसाइटी में क्या है कि जब आ, छोटा बच्चा का जन्म होता है ना तो छठी होती है ना छठी सिक्स डे तब विधि आती है और विधि आपका जीवन लिखती है कि आपके क्या-क्या होने वाला है अच्छा तो जो भी ये थी और जो भी मेरे उसने लिखा है मेरे जीवन में क्या होने वाला है जी उसको मैं मिलना चाहता हूँ बहुत अच्छी कहानी लिखी है और फिर बन गई और आई हैपन टू बी देर टू विटनेस दी कहानी सो कहानी कोई मैंने बनाई नहीं है किसी ने बनाई नहीं है वो के रूप में आपको मिली हाँ और ज्यादा से ज्यादा वो ब्लेसिंग कदाच कर्म की थी, थियरी पर हो सकती है और होती ही है हाँ वो कर्म रे का रास्ते और थोड़ा कर्म करो तो उसका रिजल्ट मिलेगा ज्यादा कर्म करो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा और फिर ज्यादा कर्म करो और भी रिजल्ट मिलेगा और लाइफ ऐसी है कि आप सीखते जाओ और करते जाओ कृष्णा तो है ही वो तो बोलता है कि भाई मैं मानता हूँ कि मेरा काम हो रहा है और तू कर रहा है राइट right. कर रहा है तो कृष्णा ही है right. और मेरा काम हो रहा है आई एम अ पॉजिटिव थिंकर जी जब ही कोई छोटी चीज़ मैं देखता हूँ जीवन में तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें फ़ायदा कितना है उसमें लॉस कितना है मैं, मुझे मैं नहीं देखता अगर मुझे एक परसेंट चांस सफल होने का मिलता है तो मैं उसको शामिल हो जाता हूँ कि मुझे एक काम करना है क्योंकि एक परसेंट सफल होने का चांसेस है राइट आई वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज कॉल बुराव इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ओके मेरे छः भाई पांच भाई बड़े थे पांच बहने थी बढ़िया फैमिली था थोड़ी जमीन थी हमारे पास पांच-छः छैंस काउ बफेलोस थी और चार बरत थे वो बरत ऑक्स वो थे के लिए तो वो हमारी जायदाद थी हम हमारी भैंस को पास चलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम पैसे वाले हैं <laughs> क्योंकि हमारी मिलकत है ट्रू ट्रू हमारा बरत देखते थे तो ऐसा लगता है हमारा बरत कितना अच्छा है उसके जा, जाके हम बाजू में जाके उसके शाबाशी देते थे कि वो हमारे के लिए खेती करता है हमारी भैंस हमको दूध देती है हम उसको प्यार करते थे और जब उसको प्यार करते थे तो वो ज़्यादा दूध देती थी वी आई सो ऑल दिस ग्रोइंग अप एंड मैंने सोचा कि मेरी बिजनेस स्कूल तो यहाँ से ही शुरू हुई है जीवन में जब मैं लोगों को भी ऐसा प्यार दूंगा तो मेरे को आउटपुट देंगे सो इज बिजनेस स्कूल तो मैंने फॉर्मल स्कूल शुरू किया उसके पहले तो मेरी एम हो गई मैनोबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरी बा का नाम था मैनोबा oh, oh. तो उसका वो तरीका था भैंस को ट्रीट करने का right. लोगों को ट्रीट करने का जब मैं छोटा था तो हम हमारा दरोज़ खाना खिचड़ी था रात को और कभी कभी सब्जी मिलती थी जी और हमको घी या दूध दोनों में से एक ही चॉइस मिलती थी दो नहीं मिल सकते थे क्योंकि है ही नहीं लेकिन थे हम सुखी आनंद में रहते थे सो मैंने एक एक बात सीखी है कि जब आदमी आनंद में रहता है ना रह, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ऊंचा जाता है Okay. So, my performance was very good. School in school, Performance. Whatever I did, I was my number one. Because my, I was a happy boy, and I am a happy adult, and I am a happy old man <laughs> today. So, my performance's reason is because I am happy. Right. And today I am running university, and I want to keep my children happy. मैं उनको बनता हूँ बोलता हूँ कि आपको दो चीज करने की है रिमेन हैप्पी स्प्रेड हैप्पीनेस एंड ट्राई टू बी अ गुड पर्सन सो ट्रू अब डेफिनेशन गुड पर्सन का आपको पता है सबको मुझे तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है राइट right. तो फिर मैं ऐसे बड़ा हो रहा था बहुत मजा आती थी छोटे थे खेलते थे गांव में हमारे पास चप्पल नहीं थे बारह साल तेरह साल हुआ पग में कोई नहीं था लेकिन मेरे सभी मित्रों के भी चप्पल नहीं थे तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं डिप्राइव हो राइट right. किसी के पास चप्पल नहीं है तो ठीक है हम सब एक ही बोट में हैं तो हम आजकल समाज में जो आप कर रहे हैं वो बॉडी वेल माइंड वेलनेस थी. का प्रोग्राम हमारे को वो क्वेश्चन ही नहीं था हमारा माइंड वेल ही था <laughs> <laughs> वो टाइम पर हमारे भाई सर की कोई जरूरत ही नहीं थी वो जो ग्रुप में रहते थे आ, साथ में रहते, रहते थे, थे प्यार से रहते थे प्यार प्यार से बांटते हम हम दुखी क्यों होते हैं हैं दूसरों की चिंता करते अरे भाई आपकी चिंता करो कि आपको सुखी होने के लिए क्या करना पड़ता है और मैं तो ये मानता हूँ कि आपको सुखी करने के लिए आप दुनिया को सुखी कर दो तो आप सुखी हो जाओगे सही बात है अगर आपके आसपास पास खुशी लोग हैं तो आप अपने आप खुश हो वो आपके एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया कुछी, कुछी है। राइट में देखो खुशी है लेफ्ट में देखो खुशी है सामने देखो खुशी है।, <laughs> तो है मैं तो उसको था कभी दादी पूछती नहीं, नहीं है कि खुशी कौन नहीं भाई तू ही खुशी है और तू मंजू है ये की है तो खुशी को बाजू में रखो और जो भी नाम है ठीक है लेकिन आ, वो बोलता हूँ कि खुशी मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है <laughs> <laughs> तो गम्मत में मैं बोलता हूँ हमारा अमेरिका में गम्मत कर सकते हैं भारत में तो ऐसी गम्मत भी नहीं कर सकते राइट राइट क्योंकि लोग उसके गलत कर देते हैं yes. बात बात में गलत कर देते हैं अरे yes. खुशी होने का है दुखी क्यों होते हो सही बात है अगर मेरी गर्लफ्रेंड खुशी होगी तो भी आप खुश होना चाह होना चाहिए तो फिर मैं छोटा था तो मैं ऑलवेज आई वॉज एनकरेज माई फादर यूज टू टेल मी वेन आई वॉज लिटल कि मगज से ज्यादा सोच सोच समझ बात को समझ बात को समझ ऐसे बोलते थे तो मैं सोचता था कि मैं इतना तो सोचता हूँ फिर भी मुझे सोचना सोचना क्या सोचना है तो हमारी बॉडी में कॉन्शियस माइंड है सब कॉन्शियस माइंड है लॉन्ग टाइम एगो जितेंद्र अटिया जी अमेरिका आए थे और उन्होंने एक लेक्चर दिया था कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड और फिर मैंने उसके ऊपर ज्यादा पढ़ाई की जी yeah. तो मुझे ज्यादा समझ आई कि भाई ये सब कॉन्शियस माइंड तो भगवान ने नहीं दिया है वो क्रिएशन वॉज आवर ओन क्रिएशन वेन वी वीर बोर्न वी हैविन प्रोग्राम ऑल ओवर लाइफ एंड दैट इज अवर सब कॉन्शियस माइंड बट दस माइंड इज भगवान ने दिया है उससे विचार करने का है। विचार करने से आप क्रिएटिव हो सकते हैं। आप नई नई तरकीबें ढूंढ सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की हो सकती है यहां से आता है क्रिटिकल थिंकिंग सब कॉन्शियस माइंड से नहीं आता सब कॉन्शियस माइंड तो वही ही करता है जो एड सब्रैक्ट करता है बाद पहले क्या हुआ था ऐसा तो होना चाहिए ऐसा होने से ऐसा होता है वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी वो रियल इंटेलिजेंस नहीं है, रियल इंटेलिजेंस तो हमारा कॉन्शियस माइंड है जी, जी, और रियल लाइफ में हम टेन परसेंट कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं यस, यस, और नाइन्टी परसेंट ऑटोमेटिक सब कॉन्शियस माइंड काम कर देता है ट्रू उसको उल्टा कर दो सब कॉन्शियस माइंड की जरूरत तो है तो ठीक है लेकिन कॉशियस माइंड को ऑलवेज कीप इन द गियर राइट सो वही हम हमको पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में आजकल मैं बच्चों को वो बोलता हूं कि हमको दो चीज करनी अच्छा अच्छा right. right. है अच्छा आदमी बनो और क्रिटिकल थिंकिंग राइट कॉन्शियस माइंड को हमेशा एंगेज रखो कीप थिंकिंग कीप आस्किंग क्वेश्चन व्हाई एंड व्हाई नॉट राइट वो बढ़िया डिफरेंस है बिटवीन अमेरिका में और इंडिया में मैं अमेरिका में पिछले साठ साल से मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मुझे वहाँ का ज़रा ज़्यादा ख्याल है आ, इंडिया में छोटे बच्चे कुछ तूफान करते हैं तो डैडी मम्मी बोलते नहीं गिर जाएगा लग जाएगा ऐसा हो जाएगा अमेरिका में ऐसा नहीं करते करने देते हैं और फिर वो गिरेगा तो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा और गिरेगा तो सीखेगा वो गिरेगा तो उठ सकेगा ना राइट right. उठेगा कैसे नहीं गिरेगा तो उठेगा कैसे सही बात है जीवन में मैं वो लोग कभी निराश हो जाते हैं कभी उनको सफलता नहीं मिलती बोलते हैं कि मैंने मुझे सफलता नहीं अरे तुझे सफलता नहीं मिली लेकिन तुझे एक्सपीरियंस कितना मिला राइट right. वो सफलता का बेस है तो दादा इस एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है कि आप यहाँ से फिर ये गांव से आपकी जर्नी आगे बढ़ी और आप अमेरिका पहुँचे तो शुरुआती दिनों में जो आपका स्ट्रगल रहा तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे अगर उसमें से कुछ लेसन आप शेयर कर सकें तो आई वॉज क्रिटिकल थिंकर एंड आई वॉज ए आउट ऑफ थिंकर जी तो मैंने हाई स्कूल पास कर दिया तब मैं न्यूज़ पढ़ता था एवरी डे आई स्टूडेंट न्यूज तो न्यूज़ में लोगों के फोटो आती थी, थी कि फलाना अमेरिका गया फलाना जर्मनी गया तो मैंने सोचता कि ये भी मुझ, मुझे भी हो सकता है हाँ। मेरा भी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ सकता है तो मुझे जल्दी ही जल्दी करना है वैसे तो लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन करके जाते थे लेकिन मैंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है और हमारे गांव में तो मेरी शादी हो गई मैं अठारह साल का था शादी हो गई उन्नीस साल का था मेरी हाई स्कूल ख़त्म हुई और दादी प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है अभी तो मुझे पढ़ना है मेरी अभी एक बच्चा होगा फिर बाद में और बच्चा होगा फिर तो मेरी मुझे खेती करनी पड़ेगी और कुछ यहाँ कुछ बिजनेस करना पड़ेगा लेकिन मैंने सोचा है कि अमेरिका तो स्वर्ग है वहाँ जाना चाहिए तो मुझे देखना चाहिए स्वर्ग कैसा होता है तो फिर मैंने वो काम शुरू कर दिया मैंने मुझे अमेरिका ही जाना है कुछ भी होगा तो मैंने अप्लाई किया और मुझे वीज़ा मिल गया एडमिशन मिल गया और थोड़ा सा स्कॉलरशिप मिल गई दो तीन बड़े बड़े आदमी थे वो ज़माने में वो फिलाथरापिस्ट थे उन्होंने मुझे थोड़े फाइव थाउजेंड रुपीज़ दिए एक बड़ी कंपनी कलकत्ता से अच्छा साहू साहू फिलोथ्रापिस्ट ओके फिर मैंने बहुत साल बाद उसको वापस दे दिए डॉलर में दिए बेटे अच्छा मैंने फाइव थाउजेंड डॉलर दिए उन्होंने मुझे फाइव थाउजेंड दिए अरे वाह uh, तो भी एनी सो दैट वॉज अ लॉट ऑफ मनी दैट फॉर मी तो मैं अमेरिका चला गया मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना पड़ेगा क्या पढ़ना पड़ेगा मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए गया था और uh, मैंने यूनिवर्सिटी बदली और ये जर्नी में पहले तो फैमिली मुझे नहीं जाने देती थी मम्मी रोने लगी बोली ये तेरी बीबी प्रेग्नेंट है तुझे पता है मूर्ख तू क्या कर रहा है मैंने बोला मुझे पता है वो बोली आज तू नहीं जा सका आज दूसरी की न्यू मै है वहाँ पर वो अच्छा चोगड़िया नहीं है आ, तो मैंने बोला कि वो कुछ अच्छा चोगड़िया होगा बिटवीन मुझे तो जाना ही पड़ेगा <laughs> और भी बोले कि तू आज साउथ में नॉर्थ में नहीं जा सकता वो तो नॉर्थ में जाना पड़ता है सिद्धपुर जाने के लिए तो मैंने बोला थोड़े पगले मैं साउथ में जाऊँगा फिर नॉर्थ में जाऊँगा और वो उनको पता चल गया मैं मानने वाला नहीं और 65 सितंबर में एक वहाँ वो टाइम में भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था <laughs> तो मैंने यहाँ से ट्रेन पकड़ी मैसेना अहमदाबाद से और ट्रेन में भी ब्लैकआउट था ओके okay. और मैं सारी रात ट्रेन में बैठा था मेरी बैग नीचे रख के मैं बैग के ऊपर रखा था और अंधेरा ही अंधेरा था जी और मैं सोचने लगा कि सारा मैं अंधेरे में जा रहा हूँ मैं मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मेरे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं है मुझे पता नहीं मैं क्या पढ़ूँगा और यहाँ पे वॉर चल रहा है और वर्ग बढ़ेगा तो क्या होगा मेरा वो थोड़ा मैं सोचने लगा ट्रेन में और मैं रो पड़ा लेकिन टाइम तो चलता ही रहता है सुबह आ गई मुंबई आ गया और जो करना पड़ता है वो तो करना पड़ता है भगवान ने गीता में किया है तो वो तो करना ही पड़ेगा तुझे वो तेरा कर्म है तो वैसे करके मैं प्लेन में बैठ गया मैं आयुआ चला गया वहाँ मैंने केमिकल इंजीनियरिंग शुरू किया फिर तीन महीने के बाद वहाँ बहुत ठंड थी तो मैं कैलिफोर्निया चला गया okay. तो कैलिफोर्निया में एडमिशन लेने के लिए मैं यूनिवर्सिटी में गया तो उन्होंने बोला कि भाई केमिकल में जगह नहीं है तो वहाँ पर मैं रो पड़ा क्योंकि मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे और फीस के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं थे फिर वो साहब की सेक्रेटरी वहाँ पे खड़ी थी तो वो छोटे बच्चे को ऐसे देख के वो बोली साहब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो रहा है उसमें जगह है ओके okay. तो मैंने बोला साहब उस मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन दे दो मैं पढ़ लूँगा तो वो साहब हंस पड़े तू भारत से इतनी दूर क्या पढ़ने आया है वो वो भी तुझे पता नहीं है <laughs> तू जीवन में क्या करने वाला है तो मैंने बोला साहब मैं इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने वाला हूँ तो वो ज्यादा हंसने लगे वो अभी तो तूने इलेक्ट्रॉनिक सुना है पहली बार <laughs> मैंने बोला मैं पढ़ लूंगा तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक में एडमिशन ले लिया और मैं पढ़ने लगा मुझे इलेक्ट्रॉनिक एकदम माफक आ गई तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो विधि थी ना सठी में लिखा था ना उसने लिखा होगा कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने का है सो so ट्रू और बाद में तो वो साहब मुझे मिलते थे जब एडमिशन वाले तो जभी जभी कैंपस में मुझे मिलते तो मैंने मुझे देख देख के वो हंस पढ़ते थे कि तेरा इलेक्ट्रॉनिक कैसा चल रहा है मैंने बोला साहब आप मानो या ना मानो बढ़िया चल रहा है और मैं आपका शुक्रिया मानता हूँ कि मुझे केमिकल में नहीं दिया फिर चार साल के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लिया और वो टाइम में वियतनाम का वॉर चल रहा था तो मुझे जॉब अमेरिका की बढ़िया डिफेंस कंपनी में लॉकड में मिल गई दादी को बुलाया और फिर दो तीन जॉब की मैं अमेरिका की एक बढ़िया कंपनी इलेक्ट्रॉनिक की कंप्यूटर कम, की कंपनी में जॉब कर रहा था वो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी बरोस और uh, मैं मेरे बॉस का फेवरेट इंजीनियर था उसके नीचे पच्चीस इंजीनियर थे लेकिन मैं उसका फेवरेट इंजीनियर था तो मुझके मुझे वो साथ में ही रखते थे जी फिर एक दफा मैंने लंच में बोला मेरे बॉस को कि ये जॉब बहुत तो ठीक है मुझे अच्छा नहीं लगता है मुझे तो बिजनेस करना है तो बोला कि तू मूर्ख है मैंने बोला क्यों कि तू अभी छोटा है अभी गवार है बिज़नेस करना कोई आसान चीज़ नहीं है सही बात है मैंने ट्राई किया है और मैं फेल हो गया हूँ तो फेल होगा तो क्या करेगा तो मैंने बोला साहब देखो मैं तो इंडिया से आया हूँ मेरे फादर के पास थोड़ी ज़मीन है अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं वापस जाके खेती भी कर सकता हूँ तो मुझे तो कुछ लॉस नहीं होगा इतना तो बोला कि ये तो समझ नहीं, नहीं रहा है मेरी बात ही नहीं समझता है ये तो ज्यादा बुद्धू है सही बात है मैं बोला बुद्धू है नहीं है, मुझे तो करना ही है फिर दो तीन दिन के बाद वो बोले कि चल तू तो बुद्धू है लेकिन तेरा माइंड बदलने वाला नहीं है इसीलिए मैं तेरा पार्टनर हो सकता हूँ मैंने बोला साहब वो तो सो सोलह में सुहागा हो गया चलो हम साथ में करते हैं तो हमने साथ में बिजनेस किया ये जॉब कितने साल की थी दादा आपने जब ये जो जॉब वाला पीरियड था मेरी ये थी uh, करीब 28 साल 27 28 साल और कितने साल आपने जॉब करी थी लगभग हाउ मेनी इयर्स मतलब साल जॉब की थी साल आपने जॉब की थी तीन कंपनियों में जॉब तीन कंपनी और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ कर सकता ब्यूटीफुल लेकिन मेरे दोस्तों को मेरे बॉस को इवन दादी को इतना भरोसा नहीं था हाँ तो दादी मुझे बोलती थी कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या होगा मैंने बोला कुछ नहीं जो होगा सब कुछ हो अच्छा ही होगा तो वो वो भी बोलती थी कि मैं थोड़ा सा मगज से गवार हूँ <laughs> लेकिन आ, वो हमेशा दादी हमेशा साथ बहुत देती ठीक है करना है तो मैं भी कि आपके साथ बारह बारह बजे तक और हेल्प करूँगी फिर मैंने बिज़नेस ग्राम में शुरू किया मेरे घर में किचन में और कभी कभी तो मैं बारह एक बजे तक काम करता था और पहले दो साल तो कुछ बिजनेस आता नहीं था तो बोलने लगी कि आप कहाँ तक करेंगे तो मैंने बोला मुझे आनंद आता है इसमें मैं जब मग्न रहता हूँ पावर सप्लाई में क्योंकि मुझे आनंद आता है अभी पैसे मिले ना मिले लेकिन मुझे आनंद तो ज़रूर आता है तो मैंने अच्छा सा पावर सप्लाई डिज़ाइन किया बाज़ार में रखा तो दो तीन कंपनियों को उसका प्रॉब्लम सोल्व होने लगा okay. उसकी रिलायबिलिटी एकदम बढ़ गई जो कंप्यूटर जब पावर सप्लाई डाउन होता है तो सारा कंप्यूटर बंद हो जाता है लेकिन मैंने ऐसा रोबस्ट पावर सप्लाई डिज़ाइन किया कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुझे ऑर्डर दे दिए 12. तो मुझे बस इतना बिजनेस आया इतना बिजनेस आया कि मैंने टेक्निकल लोग तो हायर कर दिए मेरे मैंने तीन जगह जॉब की थी अमेरिका में मेरे तीन अमेरिकन बॉस थे उनको भी मैंने हायर कर दिए वो भी मेरे लिए काम करने लगे <laughs> तो अमेरिका में क्या हो सकता है जिसके लिए आप काम करते हो वो बॉस आपके लिए सारी जिंदगी काम करते हैं देखो ये कमाल की बात है इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता वो बोलता है कि मैं तो तेरा बॉस था ईगो आ जाता है मेरे तीन बॉस थे और तीनों बॉस ने मेरे लिए काम किया और जब बिजनेस बढ़ने लगा तो मुझे भी ऐसा एहसास होने लगा कि साला मैं तो इतना अवश्य नहीं हूं मेरी तो कोई इतनी औकात नहीं है लेकिन कोई भगवान का प्लान ही होना चाहिए कि मेरी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है इतने वो मेरी जो प्रोडक्ट थी वो यूनिक प्रोडक्ट कस्टम प्रोडक्ट थे तो उसकी प्राइस मैं नक्की करता था कस्टमर नहीं करता था right. राइट तो मेरी कॉस्ट होती थी थाउजेंड डॉलर लेकिन मैं उसको टेन थाउजेंड में बेचता था wow. बहुत सा प्रॉफ़िट था तो इतना प्रॉफिट था तो मैं लोगों को जब नौकरी देता था इंडिया से लोग आते थे तो उनको पता चल गया कि गणपत भाई एक है वो सबको जॉब देता है और उसको मैंने अच्छी तरह से रखता था जब मेरी माँ मेरी भैंस को रखती थी ना ऐसी तरह के मैं लोगों को ऐसा ऐसे तरह के रख रखता था उनका कोई भी प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम में भी मैं इंटरेस्ट लेता था जी तो उन्होंने मेरे लिए उनकी जात दे दी जब मैंने उन उनको प्यार दिया उनका एक्सप्लोइ नहीं किया तो उन्होंने मुझे बिजनेसमैन बना दिया इंजीनियर से इतना प्यार इसीलिए मिला कि मैंने प्यार दिया मैंने उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया ट्रू सो so, सभी बिजनेस मैन को मैं ये कहता हूँ कि आप अप, अपने कामदारों को अपने एम्प्लॉज को अच्छी तरह से ट्रीट करो वो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे आपको मिलियनर बनाएंगे आपको आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड सॉल्व अदर पीपल्स तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैंने मेरी लाइफ से ही सीखा लाइफ अपनी अपनी लाइफ एक बड़ा ग्रंथ है उसको ध्यान से पढ़ो और उसको समझो तो आपको बार कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है सोल्व so तो आज भी मैं सोचता हूँ कि यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी चलती है ये सब चलता है और मैं मुझे मेरे पास बहुत लोग आते हैं एडवाइस के लिए आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ये मुझे असाइनमेंट दिया है कि ये तेरे को करना पड़ेगा जो कोई बॉस बोलता है ना कि करना ही पड़ेगा नहीं तो मैं तुझे निकाल दूंगा सो so, भगवान का कुछ ऐसा ही है उनका असाइनमेंट है उसको करना ही पड़ेगा और मैंने पहले बोला कि कर्म रे वाली का रस्ते आप अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल देते हैं और अच्छा करो अच्छा फल देते हैं और है। अच्छा फल मिलेगा और कुदरत में भी आप देखते हैं तो कुदरत में भी जब अच्छा बोते हैं तो अच्छा उगता है कांटे बोएगा तो कांटे उगेंगे मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए पर सोच पर अच्छी हो तो आपकी नीति मति गति ऐसे चलती है आपकी नीति से शुरू होती है मति एंड देन गति भी अच्छी चलेगी आजकल बोलते हैं इंग्लिश में भी बोलते हैं कि वट इज इंग्लिश में इंटेंशन कहते हैं राइट right. अगर आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है तो मुझे पता नहीं कि भगवान कहाँ पे है लेकिन भगवान को पता चल जाएगा कि आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है और इनफैक्ट दादा हमारे ब्रेन में ना एक सिस्टम होता है इसे ईडीएस कहते हैं एनर्जी डिटेक्शन सिस्टम तो ये भी इसमें कैपेसिटी होती है लोगों की इंटेंशन को जज करने की तो जब हम लोग लोगों से बात करते हैं तो हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है कि हम जो बोल रहे हैं और उससे मैच करते हुए हमारे जो जेस्चर्स हैं या पोस्चर्स हैं उनमें अगर इनकॉन्ग्रुवेंसी आ जाती है अगर वो कॉन्ग्रुवेंट नहीं है उनमें एक रूपता अगर नहीं है तो वो क्लियरली हमें ब्रेन उसे रिकग्नाइज कर पाता है और रेकग्नाइज़ करके हमारे अंदर नेगेटिव वाइव्स क्रिएट करता है जो हम कई बार कहते हैं किसी से मिल एक नेगेटिव वाइव आ रही है तो भगवान को तो पता चल ही जाता है इवन हमारे खुद के ब्रेन को भी पता लगता है जब कोई इंसान इनकॉग्रुवेंट है और उसकी इंटेंशन अगर राइट right नहीं है तो सामने वाले को उसके भावों से उसकी टोनैलिटी से उसके माइक्रो एक्सप्रेशन से एक्चुअली सामने भी पता चल जाता है। सामने वाले को पता तुरंत ही चल जाता है कि ये हृदय से आता है कि मगज से हाँ, हाँ, तो... मगज से आता है तो बोलतेगा कि उसमें मुझे क्या फायदा है हृदय से आएगा तो दोनों का फायदा देखेगा ट्रू so सोसाइटी का फायदा देखेगा ऐसा अपना ही अपना नहीं देखेगा राइट right. तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं बात करता हूं तो ऑटोमेटिक हृदय से ही जाता है, सब है। सब और मैंने यूनिवर्सिटी में भी बोला है सबको कि हमारी मेरी माँ वैसी थी कि संवेदना और करुणा ज्यादा थी उसमें वो लोगों का ज्यादा सोचती थी अपने अपने का कम सोचती लोगों का ज्यादा जब आप सोसाइटी को के लिए अच्छा सोचते हो सोसाइटी सारी सारी सोसाइटी आपके लिए अच्छा सोचेगी तो आपका तो कितना हो जाएगा टू थाउजेंड स्टूडेंट के लिए मैं ट्वेंटी मैं अच्छा सोचता हूँ और वो ट्वेंटी थोड़ा -थोड़ा -थोड़ा अच्छा मेरे लिए तो मेरा तो कहाँ जाएगा <laughs> मुझे ऐसा लगता है कि वही हो रहा है इसीलिए जो मेरा आनंद है वो उसका सबका एडिशन है वो इंग्लिश में कहावत भी होती है ना दादा की

तो हमारा भी वो कर्तव्य है कि हम दादा की तरह सबका ख्याल रखें हमारा जो गुणी गुरु है जी मुझे नाम बहुत अच्छा लगता है गुरु गुणी ही होना चाहिए <laughs> और जो गुणी नहीं है उसको गुरु नहीं होना चाहिए <laughs> सही बात है बिल्कुल हाँ लेकिन अभी सब गुरु हो जाते हैं कोई कोई भगवान भी हो जाते हैं आजकल अरे भी सनातन सत्य को समझो राइट right. इसे हिंदुज्म से कुछ लेना देना नहीं है अच्छा आदमी बनो कोई नात जात कोई बात नहीं है अमेरिकन हो हिंदुस्तानी हो इंडियन हो अगर अच्छा आदमी तो अच्छा ही होता है सो so अमेरिका में भी मैं उसी बालक को यही बोलता हूँ यूनिवर्सिटी में कि आप अच्छा आदमी पहले बनो, बाद में ग्रेजुएशन हो जाओ तो हमने डिग्री भी वही दे दिया हमारे गणपति यूनिवर्सिटी का नाम हमने गुनी रखा है गुनी इसीलिए कि गणपत यूनिवर्सिटी लेकिन वो खुदा का ऐसा कोई करामत है कि वो ऐसे बन गया कि गुनी हो गया तो वो गुणवान भी हो गया यस yes. <laughs> और आ, कोई भगवान ने मेरा नाम गणपति रखा है गणपति रखा है तो फिर आ, हमारा मास्कोट भी एलिफेंट होने वाला है तो एलिफेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक वही है वेजिटेरियन है बड़ा है समझू है भावुक है एलिफेंट जैसा कोई भावुक नहीं है इतना बड़ा होने पर भी वो भावुक है wow. नहीं, तो बावुक होने कोई नहीं वो तो एलिफेंट को भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है वो तो भगवान है उसको क्यों भावुक होना चाहिए अब आप, आपके पास स्ट्रेंथ है लेकिन वो स्ट्रेंथ का उपयोग आप दुनिया के भलाई के लिए करते हो तो अच्छी बात है तो वो एलिफेंट है इसीलिए अब मैं सोचा है कि अगली साल हम वो हमारा मैस्कॉट गणपति यूनिवर्सिटी का गुनी नंबर वन गुणवान नंबर वन इज गोइंग टू बी एलिफेंट एंड इज अ लॉट ऑफ मैसेज इन देर वो हमारी ब्रांड होने वाली है दादा मैं जब से आपसे मिला तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी है और बिजनेस में और सक्सेस में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया तो एक चीज़ मैंने आपसे ली वो स्पीड जिस स्पीड में आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका क्या सीक्रेट है आपका कि आप इतने फास्ट डिसीजन लेते हैं इतना फास्ट आप एग्जीक्यूशन करते हैं आई हैव थ्री वंडरफुल वॉटर्स तीन हैं मेरी, और वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट है वो शर है वो दादी पर गई है अच्छा। <laughs> वो तीन क्या बोलती है मुझे आई एम अ ट्वेंटी सेकेंड डिसीजन मेकर ओके भगवान ने मुझे डिसीजन करने की इतनी क्षमता दी है कि मैं डिसीजन ले लेता हूं बाद में उसका रिजल्ट जो भी आए वो आ सकता है लेकिन डिसीजन ले नहीं लेना वो मेरा स्वभाव नहीं है जीवन में समस्या तो होती है जी डिसीजन लेंगे तो प्रॉब्लम होंगे जी लेकिन भगवान ने जो भी जो भी समस्याएं दी है वो सभी समझ समस्याओं का समाधान भी दिया है समाधान के लिए कुछ ऐसा वैसा करना पड़ता है वो तो कर लेते हैं लेकिन समाधान जरूर हो सकता है इसीलिए डिसीजन लेने में तो कोई ज्यादा सोचना नहीं चाहिए डिसीजन जल्दी लेना चाहिए राइट right. मैं देखता हूँ नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े बेस्ट लीडर हैं आज का राइट right. उनसे एक सीखने के बात है कि वो डिसीजन कितने लेते कितने डिसीजन ले okay. right. राइट कई तो बहुत डिसीजन ले कई डिसीजन तो इतने पावरफुल बड़े लेवल के डिसीजन बड़े लेवल, लेवल के, हो के डिसीजन तो मैं सोचता हूँ कि वो इतने बड़े डिसीजन ले तो मुझे ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेकेंड क्यों लेनी है <laughs> उनसे उनके पास तो ट्वेंटी सेकेंड भी नहीं होगी और जब आदमी की तरक्की छोटे से बड़ी होती है ना तब आपको आपका जो रूट्स है आप कहां से आए हैं वो बोलना नहीं चाहिए वरना वो ईगो एरोगेंस इंसान में आ जाती है हाँ, वो जब ईगो वो बड़ा पर आ जाता है एरोगेंस आ जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान ने सभी लोग इक्वल बनाए हैं सभी को केपेबल uh, है आपका कोई नसीब है कोई भगवान का प्लान है इसीलिए आप प्रेसिडेंट हो और आपके पास ये है ये है ये अवॉर्ड मिला ये अवॉर्ड मिला वो तो सब उसका प्लान है और अगर मिल भी गया तो वो सब ख्याति वो सब बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए उसके लिए काम नहीं करने का राइट काम तो इसीलिए करना है कि आप एन्जॉय करते हो वो राइट थिंग टू डू समाज के लिए अच्छा है तो आप एन्जॉय करेंगे तो आप एन्जॉय करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस एकदम बढ़ जाएगा इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करना है आपको सेटिस्फाई करो राइट चैरिटी बिगिन एट होम अगर आप आनंद में होंगे तो आप दुनिया को आनंद दे सकते हो आप खुशी में रहो आप आनंद में रहो आपका प्रगति हो जब अगर प्यार भी देना है लोगों को तो आपके प्यास आपके पास प्यार होना चाहिए सही बात है अगर आपके पास प्यार है ही नहीं तो आप कैसे देंगे हमारे अमा, जब मीटिंग होती है यूनिवर्सिटी में ट्रस्टियों की तो मैं बोलता हूँ कि आप सभी को बोलना है कि आप इंटेग्रिटी रखो मोनेस्टी रखो इस अच्छे अच्छे गुण आपको रखने हैं, देने के हैं स्टूडेंट को ये देने के लिए आपके पास होने तो चाहिए ना अगर आपके पास होने नहीं होते नहीं तो कैसे देंगे वो आप किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो पहले क्वालिटी खुद के अंदर नर्चर करें एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी उसको वो वाली करेगा। बात है ना गुरु जी के पास गए थे बच्चा गुड़ खाता था ज्यादा और फिर महाराज ने बोला कि नहीं उसको एक महीने में, के बाद ले आना पर फिर वो मम्मी आई महीने के बाद बोली कि आपने महीना क्यों लिया तो बोले मैं भी पहले गुड़ खाता था <laughs> भाई कैसे बोल सकता हूँ उसको कि भाई कल से गुड़ नहीं खाने का है राइट right. so तो ऐसी बात है हमको एग्जाम्पल देने का है और जब बच्चे आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं तो आपका वो फर्ज बन जाता है आपके ऊपर प्रेशर है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो आप इतना क्यों करते हो तो ये अभी तो सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन आपकी एज हो गई है अभी आप एंजॉय करो तो मैंने बोला वही तो मैं कर रहा हूँ एंजॉय <laughs> तो कर रहा हूँ यार उससे ज्यादा एंजॉयमेंट कहाँ मिलेगा मुझे वो पढ़ाने में बच्चों को देखने में उसकी प्रगति देखने में जितना एन्जॉयमेंट मिलता है उतना एन्जॉयमेंट कहीं भी नहीं मिल सकता लोग बोलते हैं कि इतना करोड़ क्यों दिया इतना करोड़ एक इत, आप कुछ ऐसे कर सकते हैं जैसे कर सकते हैं हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इतना बड़ा रिटर्न कहीं भी नहीं मिलेगा कि इतनी ज़िंदियाँ बनेगी इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर अच्छे से डॉक्टर इतना समाज का वो सबसे बड़ा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि यूनिवर्सिटी बन गई और मैं उनका भविष्य देखता हूँ वो कल के अच्छे नागरिक बनेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि एन्जॉयमेंट क्या चीज़ है ये एन्जॉयमेंट है मेरे लिए दादी के लिए भी एन्जॉयमेंट मेरी सारी फैमिली मैं तो बहुत नसीबदार हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है तो दादा ये जो इतना जो आपने अमेरिका में जब पूरा अपना कंपनी बिल्ड कर रहे थे आप फिर इंडिया में यूनिवर्सिटी भी आपने बिल्ड करी तो इस दौरान आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे क्रिएट करते थे बिकॉज काफ़ी मेहनत होती होगी आपकी तो क्या रिश्तों पे उसका प्रभाव पड़ता था उसको आप कैसे मैनेज करते थे मुझे पता नहीं लोग कैसे मैनेज करते हैं लेकिन मैं बहुत नसीबदार हूँ जी दादी का सपोर्ट एकदम जबरदस्त हम मैं और दादी हम पांच साल के थे तब से जानते हुए। अच्छा।, अच्छा हाँ हमको पता था कि शादी होने वाली ऐसा अच्छा। नहीं था कि बचपन में शादी लोग बोलते हैं ना अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज हमारा तो अरेंज भी था लव भी था दोनों साथ में था उसमें फर्क क्या है पता है आपको मैरिज में लव मैरिज में जी लव मैरिज में आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हो अरेंज मैरिज में आप दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करते हो बता चल आपको लेकिन मैं तो बहुत प्रसिद्ध था अपने गल, अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी हो गई <laughs> तो मैं <laughs> नसीब वाली बात है सही है और मेरी बेटी अभी मेरी सबसे बड़ी है ना शी वॉज अ सेकेंड मदर टू माई अदर टू डॉटर माई अदर टू डॉटर समटाइम टू कम टू मी एंड कंप्लेन कि वो रिटा हमारी माँ नहीं है लेकिन हमको हमारी माँ ऐसे ट्रीट करती दी ये करना है ये नहीं करना है वो तो हम बोलते थे कि बेटा ये तुम्हारी माँ ही है ऐसे समझ लो क्योंकि वो एज में थोड़ा डिफरेंस था पहली भी, भी यहाँ पे हुई थी right. बाद में मैं दादी से दूर था तो दूसरी हुई इतने में तो वो बड़ी हो गई right. तो ये कुछ कुदरत की क्या है बैलेंस कैसे किया ये बैलेंस भी कुदरत का कुदरत ने बनाई है मैंने बैलेंस नहीं किया है तो ऐसी जब जीवन में ऐसे वो दोनों बेटियों के बीच में तीन बेटियों के बीच में एज का डिफरेंस होना दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट बाय गॉड लेकिन हम क्रेडिट लेते हैं कि हमने मैनेज किया मैंने मैनेज किया मैंने बैलेंस लाइफ मैनेज कर दी अरे तूने क्या किया तू तो कुछ भी नहीं कर सकता तो दादा आपकी इस पूरी जर्नी में अगर जो लोग आज यंगस्टर जो अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हैं कि आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस खड़ा किया अमेरिका जाकर के तो अपनी इस पूरी जर्नी में तीन से चार ऐसी बातें जो एक बिजनेस मैन के अंदर होनी चाहिए जो उसके अंदर कल्टीवेट करनी चाहिए क्या आप बताएंगे बिजनेस मैंने जो शुरू किया था इसीलिए किया था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक से प्यार पावर सप्लाई से मेरा पैशन था वो मेरा पैशन था पैसे के लिए नहीं किया जो भी करो जीवन में उस उसके साथ इतना अपना लगा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्यार उससे करो लवली सम टाइम दादी यूज टू कंप्लेन मी आर यू मैरिड टू पावर सप्लाई और यू आर मैरिड टू मी मुझे पता नहीं लगता <laughs> मैं उसको बोलता था कि शी इज माई गर्ल एंड यू आर माय वाइफ पावर सप्लाई मेरी गर्लफ्रेंड है और तू मेरी वाइफ है उसे मैं शादी कभी नहीं करूंगा <laughs> जो कृष्णा का और राधा का प्रेम था ना ऐसा मुझे पावर सप्लाई मेरा प्यार है सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सो फर्स्ट दादा आपने कहा कि एक पैशन और प्यार जिसे कहते हैं वो होना चाहिए वो होना चाहिए या सेकंड रूल दूसरा आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए कोई भी बिजनेस करो आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा राइट right. तो आपका वर्ताव ऐसा होना चाहिए कि आप उनसे दिल से जुड़े रहो दिमाग से नहीं जरूरी है उनका विश्वास जीतो और उनको विश्वास दिलाओ कि अगर आपका अच्छा होगा तो उनका भी अच्छा होगा ट्रू तो वो ऐसे सोचने लगे कि आपका भी आपका ही अच्छा हो तो उनका अच्छा ऑटोमेटिक हो जाते हैं सो यू थिंक ऑफ अदर्स वेल बी बिफोर यू थिंक ऑफ योर ओन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे अकेले कोई करोड़पति हो जाना है मेरे साथ जो भी लोग काम करते थे अमेरिका में इंडियन आज सभी के पास अपना अपना मकान है क्या बात है और कई लोग करोड़पति भी हो गए और मुझे बोलते हैं मुझे क्रेडिट देते हैं लेकिन मैं क्रेडिट सरकम टेसिस को देता हूँ कि ऐसे सरकम हो गए Oh. मुझे क्रेडिट देते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि आपके लिए हमारा घर हो गया अरे तुम्हारे लिए तो मैं कर उनको ऐसे <laughs> बोलता हूं रूम नंबर थ्री इज जो भी प्रोडक्ट है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओ आपकी एक्सपर्ट ही जरूरी है राइट right. उसमें छोटी की छोटी चीज को आपको समझ होनी चाहिए कॉपी नहीं करने नई चीज करो कॉपी नहीं करने की कॉपी से आप ज्यादा से ज्यादा जिसकी भी कॉपी करो उसके इक्वल हो सकते इसके आगे नहीं जा सकते स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ओरिजिनल थिंकिंग करो इनोवेट करें हाँ इनोवेट करो मैंने जो बिजनेस किया था तो मैंने इनोवेट किया था ट्रू so, कि तो. मैं क्या क्या प्रॉब्लम इंडस्ट्री में है और मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ जो किसी ने आज तक सॉल्व नहीं किया है Elon Musk is the richest person on earth. What did he do? Problem solved. He solved problems. He solved the So many big problems. So is many solving. big problems. He is a problem solver. If you become a problem solver, you will automatically be successful. Ho so true. That is very important. It's become a problem solver and encourage your mind to keep thinking. राइट right. जरा तकलीफ पड़ती है सोचने में लेकिन सोचना अच्छी बात है क्रिटिकल थिंकिंग करते रहना बहुत, critical जरूरी critical बहुत जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी बॉक्स थिंकिंग बहुत जरूरी है और वही एनकरेज करने का यंग यंग माइंड्स कॉन्सेप्ट को समझो साइंस तो साइंस है साइंस बदलने वाला नहीं है न्यूट्रंस का लॉ न्यूट्रंस के लिए ही नहीं था उसने तो दूर निकाला है, लेकिन न्यूटन का नो तो पहले भी था अभी भी है और होने वाला भी साइंस बदलने वाला नहीं है तो साइंस को समझो सो so, बहुत ही अमेजिंग इंसाइट दादा आपने दिया आई थिंक बहुत सारे लोग आज आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे और बहुत सारे दर्शकों को एक फ़ायदा मिलेगा अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का एंड नव वी विल मूव टू द रैपिड फायर तो आप तो स्पीड पर्सन है तो नव वी विल फायर इन स्पीड सो लेट्स गो फॉर द रेपिड फायर विथ दादा रेडी दादा यस हायर एनर्जी या फिर स्कल्पर्स हायर एनर्जी कॉन्शियस लिविंग या मटीरियल सक्सेस आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्शियस लिविंग डेफिनेटली इज वेरी इंपोर्टेंट इन यूर एटीज लाइफ का सीक्रेट क्या है टे हैपी आपकी लाइफ के तीन सबसे इंस्पिरोशनल फिगर्स माई मदर वॉज अंबर वन वॉफ Mother taught me compassion, sympathy, Samvedna Karuna Multaya. My mother taught me that. Beautiful. When Dadi came in my life, Dadi made me a person who I am. Wow. Then I had a partner and a friend in America, my boss. His name was Ken King. He was the smartest person on earth. He used to tell me one line that I'd like to share today. Ji. He used to say, Pet. They used to call me Pet in America. Ji. Pet, think what is your end game? What is end game? jacket? And so I am constantly thinking about my end game. And my end game should be that how I want to be remembered. ऑन दिस अर्थ ब्यूटिफुल गांव में बचपन का सबसे प्यारा पल क्या है अभी भी मेमोरी में मैं जब तला में नाता था ना <laughs> तो भैंस के पीछे उसके पूछ पकड़ के तैरने जाता था वो <laughs> सबसे अच्छा प्यार मेंटल uh, हेल्थ uh, के लिए Uh, आप क्या टिप देना चाहेंगे कि लोगों को फॉलो करना चाहिए योगा या मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन एनीथिंग दैट यू फाइंड योरसेल्फ गणपत यूनिवर्सिटी का फ्यूचर विजन क्या है बिल्ड बेस्ट वर्ल्ड सिटीजंस आप अगर एक ग्रैंड पार्टी करें और तीन हिस्टोरिकल फिगर्स को इन्वाइट उसमें करना हो हिस्ट्री से तो कौन होंगे माई मदर आई वुड इन्वाइट फॉर श्योर she is not here, but I would invite. I would invite Narendra Modi ji. काफी अच्छे friend भी हैं okay. और I will invite Swami Sachidanand Maharaj. पैसे का philosophy spend करो या save करो या invest करो. Invest करो. Invest for the future, future of the world. अब philanthropy का next big step आपके लिए क्या है? आप उसको leverage करो. Make more philanthropists. सो so, एक लास्ट मैसेज दादा जाने से पहले एक लास्ट मैसेज तो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे यस बी अ गुड इंसान बी अ गुड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक गांधी जी है like सेड uh, अच्छे पर्स अच्छे इंसान होने के फायदे बहुत ज़्यादा है और अगर आप मानो या ना मानो लेकिन भगवान को मैं तो ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ मैं मूर्ति पूजा में मानता भी नहीं हूँ दिया भी कभी वही जलाता हूँ जब दादी नहीं होती तो मैं करता हूँ मुझे दादी को मैंने प्रॉमिस दिया है कि मैं तू नहीं हो तो मैं दिला ज़रूर करूँगा लेकिन भगवान को मंदिर में क्यों रखो दिल में ही रखो ना जी हाँ भगवान को चौबीस घंटे आपके साथ रखो और ऐसे सोचो कि कुछ करने के पहले कुछ बोलने के पहले मेरे बाजू में कृष्णा खड़ा है ऐसा ही सोचो बस दिस इज माय मैसेज टू एवरीबडी द टाइम वेदर यू बिलीव इन गॉड और नॉट देर इज a स्पिरिचुअल थिंग कॉल भगवान बिकॉज भगवान है इसीलिए तो ये दुनिया सिस्टमेटिक चलती है और मैं साइंटिस्ट हूँ तो साइंस में ज्यादा बिलीव करता हूँ लेकिन जब आपको साइंस एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है तब वहाँ से भगवान शुरू होता है साइंस प्रगति करता है तो आप कैसा हो रहा है कि दुनिया में भगवान को आप कम 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 मानते जाते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भगवान तो ज़रूर है लेकिन आपका माइंड ज़्यादा काम करता है तो आप ज़्यादा नई चीज़ें खोज पाते हो और फिर बोलते हो कि हाँ भगवान नहीं है अरे भगवान है आपको भगवान नई सूझ देता है इसीलिए आप नई नई चीज़ें ढूंढ निकालते हो ऐसा लेकिन लोग ज़्यादा ऐसे मानते हैं कि जहाँ पे साइंस ख़त्म होता है वहाँ से भगवान शुरू होता है वो ठीक है लेकिन भगवान तो पहले से ही है आपको ज़्यादा सूझ देता है इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि भगवान कम है लेकिन भगवान कम नहीं है भगवान कभी कम नहीं होने वाला है तो so, भगवान के भरोसा जरूर रखो ब्यूटिफुल